तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वेल दोस्तों, गदर टू गदर तो मचा ही रही है, लेकिन अब बवाल भी मचाने लगी है। जहां दोस्तों कल अपने शानदार 5 दिन कंप्लीट करके आज छठवें दिन में एंट्री मान ली है, और आज छठे दिन में भी जबरदस्त एडवांस अपने हाथ में रखते हुए एक नई जर्नी पर कुछ और नए बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने की रेस में दौड़ पड़ी है। ये दोस्तों वही दूसरी तरफ OMG 2 भी अब रफ्तार धीरे धीरे पकड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि गदर 2 से जबरदस्त क्लैश चल रहा है, जिससे बहुत सी ऑडियंस गदर 2 ही ले जा रही है, लेकिन अब OMG 2 भी अपना एग्जिस्टेंस इंडियन सिनेमा में रोज बना रही है। कल अपने शानदार 5 दिन कंप्लीट करके आज छठवें दिन में एंट्री मान ली है और अमेजिंग ग्रोथ अपने खाते में रख रही है। तो आज जानेंगे गदर 2 छठे दिन में कैसी हुंकार भर रही है, क्या OMG 2 भी बाउंस बैक करने में सफल हो रही है या नहीं, अभी तक दोनों फिल्में कितना कमा चुकी हैं, क्या गदर 2 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, क्या OMG 2 सुपर हिट का टैग ले भी पाएगी या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है बिल्कुल फ्री है, इसमें कस के मुक्का मार दो या दबा दो, या इंग्लिश में कहूं तो हिट कर दो, बस क्लिक हो जाए ऐसा कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज पहले बात करेंगे गदर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज करा गया था, और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे, और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी ये मूवी एट दैट टाइम। लोग मूवी देखने के लिए थिएटर हाउस के बाहर पगला गए थे, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, और आज भी वही चीज देखने को मिल रही है। लोग सुबह 1-1 बजे से चले जा रहे हैं ताकि टिकट मिल जाए, कई जगह तो फुल नाइट शो चलाए जा रहे हैं, 2400 घंटे शो चल रहे हैं। तारा सिंह को वही प्यार मिल रहा है, और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। जो दोस्तों सामने अक्षय पाजी की OMG 2 और रजनीकांत की जेलर जैसी धमाकेदार मूवी के होने के साथ साथ मेगा स्टार चिरंजीवी की भोला भी चल रही है, उसके बावजूद भी गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाइएस्ट ग्रॉसर मूवी है उभर कर सामने आ रही है, और रोज ऐसे ही आंकड़ा अगले 10 दिन तक लगातार देखने को मिल गया, तो शायद ये मूवी इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर भी बन चुकी होगी। दोस्तों ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं रहेगी, एक इमोशन बनके उभर रही है पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आ गए थे, और अब वो फिर से दोबारा रिकॉल हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि गदर फर्स्ट ऐसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं क्रेज, इसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड एंड इमोशन। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। जो दोस्तों मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे में बनाया गया है, और मूवी को 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज करा गया था, और बॉलीवुड हिस्ट्री की पहली फिल्म बनी जिसने नॉन हॉलीडे में सिर्फ 4000 स्क्रीन्स पर 40 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। बावजूद OMG 2 के क्लैश होने के बाद भी मूवी ने अपने पहले ही दिन में 40 करोड़ तक का कलेक्शन अपने खाते में रखा सफलता से, और दोस्तों अपने पहले दिन में 25 लाख तक टिकट बेचे थे, जो कि हिस्ट्री क्रिएटिंग रिकॉर्ड है। इसी के साथ दोस्तों दूसरे दिन भी अनबिलीवेबल नंबर सामने रखते हुए सेकंड डे 43 करोड़ का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि इस साल की मॉन्स्टर पठान के दूसरे दिन कलेक्शन को रिकॉर्ड तोड़ता है, और साथ में बाहुबली के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ता है। गदर 2 गदर मचाते हुए अपने तीसरे दिन में एक ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखकर बॉलीवुड इतिहास की नंबर 1 फिल्म बन चुकी, जिसने अपने तीसरे दिन में इतनी बड़ी रकम हासिल करी। मूवी ने संडे का फुल एडवांटेज लिया और तीसरे दिन में 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन करा था, और अभी तक पहले 3 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 134 करोड़ से ऊपर हो चुका था। इसी के साथ ऑल इंडिया ग्रॉस से तीसरे दिन लगभग 65 करोड़ का आंकड़ा टच किया था अपने संडे का एडवांटेज लेते हुए, और पहले 3 दिन का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। बात करें चौथे दिन में कैसी ग्रोथ रही है, अमेजिंग भाई साहब। अपने चौथे दिन में भी 40 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन अपने खाते में रखा था, और इंडियन हिस्ट्री की लगातार 4 दिन में 40 करोड़ का कलेक्शन करने वाली गदर 2 नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन चौथे दिन में 47 करोड़ का रहा था। बात करें कल्याणी डे 5 में कैसी ग्रोथ रही मूवी की, तो भाई साहब गदर 2 ने वाकई में जो गदर मचाया है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसी सुनामी किसी ने ना देखी होगी हिंदी सिनेमा में, जहां हर जगह हाउसफुल शो चल रहे हों। साउथ सिनेमा तो इसमें कहीं से कहीं तक इंक्लूड ही नहीं है, सिर्फ हिंदी ऑडियंस ही अपने फेवरेट सुपरस्टार को इतनी बड़ी सक्सेस दे रही है। भाई ये प्यार देखने को मिल रहा है जनता का सनी पाजी के लिए, बिल्कुल दिल से। कल इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी, और मूवी ने भरपूर फायदा उठाया हॉलीडे का, और एंड ऑफ द डे तक अपने 5वें दिन में 57 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खाते में रखा था। इसी के साथ पहले 5 दिन का नेट कलेक्शन 334 करोड़ के आंकड़े को टच करता है, और पूरी दुनिया से सुपर एंड सॉलिड फैन फॉलोइंग होने के वजह से
वर्ल्ड कलेक्शन में 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर लिया था और बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर वन फिल्म बन चुकी है जिसने फास्ट 300 करोड़ कंप्लीट करे हैं बहुत ही कम समय में। जी हां दोस्तों, हिंदी कलेक्शन में बाहुबली, केजीएफ, पठान, संजू, भोला इन सभी फिल्मों को खदेड़ते हुए अपने पांचवें दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड से आगे निकल चुकी है मूवी। लेकिन वहीं बात करें आज यानी डे 6 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस दोस्तों आज भी अपने छठे दिन में ऐतिहासिक कमाई करते नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आज सिर्फ एडवांस से 9 करोड़ 80 लाख राउंड फिगर में 10 करोड़ ही मान के चलो का कलेक्शन एडवांस से कर लिया है मूवी ने अभी तक। जी हां दोस्तों, मॉर्निंग से ही आज लगभग 40-45% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी गदर मचाने को तैयार बैठी है और आफ्टरनून इवनिंग में भी शानदार ऑक्यूपेंसी रेट के साथ जबरदस्त ट्रेंड कर रही है और आज फिर नाइट में तो बता नहीं सकता, फिर कई जगह हाउसफुल शोज का टैग मूवी अपने नाम करके रहेगी। इसी के साथ आज एंड ऑफ द डे तक एक बार फिर लगभग 24 से 25 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते दिखेगी मूवी और अपने पहले 5 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 260 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आएगी सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 340 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आएगी आज अपने छठे दिन में खत्म होते होते। दोस्तों ऐसे ही ग्रोथ रही तो इस साल की जाइंट पठान को भी ये फिल्म अपने 3 हफ्ते तक के कलेक्शन रिकॉर्ड से खदेड़ देगी और 600 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखते नजर आएगी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में। दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, नो डाउट लोगों की पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही हैं और लोग एक फेस्टिवल की तरह मूवी को देखने भी जा रहे हैं और सनी पाजी को काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। बात करें दूसरी फिल्म यानी ओएमजी 2 की, तो यस दोस्तों मूवी सामने गदर 2 जैसी जाइंट मॉन्स्टर बैठी होने के बाद भी अमेजिंग ग्रो कर रही है। जहां एक तरफ गदर 2 गदर मचाते हुए आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ साइलेंट ही सही लेकिन बहुत मोटी कमाई रोज करते नजर आ रही है ओएमजी 2 अपने खाते में। जी हां दोस्तों, पहले तो ओएमजी 2 को सेंसर बोर्ड ने बहुत लताड़ लगाई जिससे मूवी की इमेज रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कैटेगरी में काउंट करी जाने लगी थी। फिर दूसरी किस्मत वहां खराब हुई जब गदर 2 ने इसके सामने एंट्री मारी और सारी ऑडियंस अपनी तरफ खींच कर ले गई। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने कंटेंट के दम पर ओएमजी 2 गदर 2 से टक्कर ले रही है, अपने हिस्से की ऑडियंस अब खींच के ला रही है। भले मूवी ने ओपनिंग बहुत स्लो ली, भले ओएमजी 2 की ग्रोथ पहले दिन पर बिल्कुल एवरेज रही, लेकिन दूसरे दिन मूवी ने पीक पकड़ी, मूवी बहुत शानदार ग्रो कर रही है। अक्षय बाजी की मूवी अब ट्रैक में आ रही है दोबारा से और हेटर्स को करारा जवाब देते हुए फिल्म सुपरहिट का टैग लेकर अपने नाम चल रही है। जैसे दोस्तों मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया है जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय बाजी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। मूवी को 1600 स्क्रीन पर रिलीज गया था अपने पहले दिन से। जी हां दोस्तों, मूवी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था लेकिन फिर भी दोस्तों अपने कंटेंट के दम पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई करी है। साथ ही सभी यूट्यूबर्स ने भी मूवी को बहुत अच्छे रिव्यू दिए, पॉजिटिव रिव्यू दिए और पब्लिक की तरफ से भी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले। जी दोस्तों, मूवी ने ओपनिंग तो स्लो करी थी और ऑडियंस अब धीरे धीरे ओएमजी 2 की तरफ भाग रही है। जी दोस्तों, पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस ने सभी का दिल लूट लिया है, उनकी कॉमिक टाइमिंग ने एक तरफा मूवी को डोमिनेट किया है। यामी गौतम ने भी ओपोनेंट में पंकज त्रिपाठी को जबरदस्त टक्कर दिया है। ओवरऑल मूवी बहुत शानदार है, आपको मजा आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अपने पहले दिन 10 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने खाते में रखा था और अगर गदर 2 से इस फिल्म का क्लैश नहीं होता तो ओएमजी 2 बहुत मोटी कमाई करती अपने पहले दिन से ही। इसी के साथ दूसरे दिन भी नेट इंडियन कलेक्शन में मूवी 15 करोड़ 30 लाख के आसपास रहा था। तीसरे दिन संडे का एडवांटेज लेते हुए ओएमजी 2 ने भी 17 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ पहले 3 दिन का नेट इंडियन कलेक्शन मूवी ने 45 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था बहुत आराम से। बात करें चौथे दिन कैसी ग्रोथ रही, तो 12 करोड़ का कलेक्शन अपने चौथे दिन से किया था और पहले 4 दिन का टोटल आंकड़ा 57 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी मूवी नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बात करें कल यानी 5वें दिन में कैसी ग्रोथ रही, भाई साहब अमेजिंग। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे का भरपूर फायदा उठाया और कुछ जगह तो कल ओएमजी 2 ने भी गदर 2 की तरह हाउसफुल शोज दिए हैं और अपने 5वें दिन में ह्यूज नंबर अपने खाते में रखा था। जी दोस्तों, लगभग 20 करोड़ का कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक करा था। वहीं बात करें आज यानी अपने छठे दिन में कैसी ग्रोथ है, जी हाँ दोस्तों आज कल के मुकाबले मॉर्निंग से थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग में दोबारा लय पकड़ते नजर आ रही है मूवी। जी दोस्तों, लगभग 7-8 करोड़ का आंकड़ा टच करते नजर आ रही है मूवी एंड ऑफ द डे तक और 82 करोड़ का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी कर लेगी आज अपने एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ एंड ऑफ द डे तक इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 97 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी और ओवरसीज से 15 करोड़ का सफल आंकड़ा अपने खाते में रखते हुए 112 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर देगी नो डाउट। दोस्तों मूवी को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। मूवी स्लो है बट अमेजिंग ग्रो कर रही है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी गदर 2 और ओएमजी 2 को देख लिया है तो मूवी आपको कैसी लगी और क्या गदर 2 पठान का रिकॉर्ड 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं और पठान मूवी को खदेड़ पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में।
जय हिंद।